OLX ऑटो पे इस गाड़ी की वैल्यू लगी 23 की, साढ़े 21 लाख रुपए में 2017 3.2 एंडेवर इशू था, उसने खुद मना कर दिया था, उसका गियर बॉक्स खराब हो गया था, उसने 21 लाख की बेची गाड़ी। और मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए रील आई और गाड़ी उसने डीलर ने कोट किया हुआ था 25 लाख रुपीज उसका प्राइस, ठीक है, और जिस उसकी गाड़ी चली थी 1 लाख समथिंग कुछ, और मीटर पे दिखा रहा था उधर 57,000 चली हुई है ना कंपनी से। इस पथेटिक सच्ची में बता रहा हूँ, सही कह रहे हो, बस वो अब है तो है, बस कोई पूछता है हाँ भैया है तो है, बस हवाबाजी है और कुछ भी नहीं है वो। तो हेलो भैया, मैं श्याम रोड, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज हमारे पास फ्रेम में यूमंगस सी फोर्ड की गाड़ी है। बहुत लोगों का प्यार है गाड़ी पर, कुछ लोगों को ही मिलता है, हर किसी को, ये किस्मत वालों को ही मिलता है। तो ये किस्मत वाले भाई हमारे निखिल अरोड़ा भैया। तो हेलो भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया। को आप पहले भी जानते हो, हमारी वीडियोस में पहले भी आ चुके, जब वर्टस का रिव्यू है बहुत अच्छा चला था, वो भी हमारे चैनल पर भैया ने बहुत अच्छा फेयर रिव्यू दिया था अपनी वर्टस का। तो अब थोड़ा इसके बारे में कहानी बताओ, ये कौन सा मॉडल है? डेफिनेटली क्योंकि सेकंड हैंड है, आज की डेट में सेकंड हैंड ही है। कौन सा मॉडल है एंड कितने का लिया? 17 मॉडल है और ये 33,000 किलोमीटर चली भी मैंने ली थी गाड़ी, और कितने की ली ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। हाँ, ये वीडियो में, और ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत लोग हैरान हो जाएंगे जो इन्होंने ऑफ कैमरा मुझे प्राइस बताया इस गाड़ी का। हाँ, जो मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन आ रही थी, जैसे कहाँ डील चल रही थी, कहाँ से कहाँ आई, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और ये मैंने आज तक अपने चैनल पर नहीं बताया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके चैनल पर ही फर्स्ट बताऊंगा। चैनल से पता लगेगा, भैया का भी एक चैनल है निखिल अरोड़ा नाम से, मिल जाएगा आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके सब्सक्राइब करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे आपने सेकंड हैंड गाड़ी लिया तो भैया ट्रस्ट कम रहता है लोगों का। हाँ जी। तो आपने कैसे इतनी बड़ी गाड़ी में ट्रस्ट बना लिया? नेबर की कार थी ये, तो अंकल ही चलाते थे। अब जैसे 33,000 चली हुई है, इतनी ह्यूज कार के लिए कुछ है नहीं, बस मैंने फोर्ड में अब सर्विस के लिए जाती थी तो वहाँ पे सर्विस एडवाइजर को इसकी गाड़ी का नंबर भेजा मैंने, और उन्होंने सारी डिटेल्स निकाल दी इसकी कि कितने पे सर्विस हुई है, और एनसीबी चल रहा था, सबसे बड़ी बात है गाड़ी के ऊपर, तो वो एक बहुत प्लस ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। एनसीबी आज तक कोई क्लेम नहीं हुआ, फ्यूचर में भी ना हो, एंड उसके साथ यहाँ पे पर इसके बस मुझे लग रहा है कि इसकी जो टायर्स हैं वो रिप्लेसमेंट वाले हो रहे हैं, क्योंकि इतने साल में रबड़ हार्ड हो जाती है, रबड़ हार्ड हो जाता है एग्जैक्टली, तो वही थोड़ी रबड़ हार्ड दिख रहा है, थोड़े टायर्स दिख रहे हैं। अभी धीरे धीरे काम करवाएंगे। जब ये गाड़ी ली थी तो ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये थे, ये चेरी कलर की कार थी, बट चेरी कलर मेरे जैसे शरीर पे सूट नहीं कर रहा था, मेरी 6'3" हाइट है, तो हमने सोचा ब्लैक करवा दी जाए। तो अब जैसे आप बता रहे हो कि 2 दिन में ही आपने गाड़ी का फाइनलाइज कर लिया कि आपको परचेज करनी, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में थी, एंड बहुत किस्मत वाले लोगों को ये ऐसी गाड़ी। जैसे मैंने बताया ना कि मेरे फादर को एसयूवी पसंद थी, हमारा कोई कार लेने का प्लान नहीं था, क्योंकि रिसेंटली वर्टस ली थी मैंने, तो सडनली जैसे गाड़ी आई और पापा ने फाइनल करी और बस सडनली बस आरटीजीएस करी और खत्म, वो सीन हुआ था। वो आरटीजीएस अमाउंट भी आपको ब्लॉग में बाद में पता लगेगा, बिल्कुल एंड में बताएंगे कि कितने की पड़ी। देखो थोड़ा सस्पेंस बने रहना जरूरी है, और वो बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत लोग उसको देख के सुन के हैरान हो जाएंगे। तो अब जैसे आपने एंडेवर ले ली, तो सेकंड हैंड मार्केट, आप सेकंड हैंड ले रहे थे, ये तो आपको नीट एंड कंडीशन में मिलगी, हो सकता है कि आप फॉर्च्यूनर पे भी जा सकते थे। देखो जब ये नई भी आती थी ना दोनों टाइम पे, तब भी मैं फॉर्च्यूनर की तरफ स्विच ना करता, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई उससे ये नहीं कि टोयोटा से मेरे को कोई दिक्कत है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर्चुनर नॉट वैल्यू फॉर मनी लगती है। अगर आज भी मैं 55 लाख रुपए अगर खर्चूंगा तो मैं कोई लग्जरी ब्रांड की तरफ मूव करूंगा, मैं जिंदगी में टोयोटा नहीं लूंगा। नहीं, बस जैसे आपने सेकंड हैंड एंडेवर लिया, आप सेकंड हैंड फॉर्चुनर ले सकते हैं। हाँ, नहीं जाता, फिर भी ऑप्शन था मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, वो मेरे को 27 लाख की मिल रही थी, सेम ईयर का मॉडल था एंड वो चली हुई थी 45,000, मेरे पास ऑप्शन आया था, गाड़ी का नंबर बहुत अच्छा था वो 3002, जो कि मेरी i20 का नंबर था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट व्हाइट कलर की कार थी, बट मैंने ली नहीं। तो फिर आपने एंडेवर पे ली। अब थोड़ा गाड़ी के अंदर चलते हैं, थोड़ा इंटीरियर फील करते हैं कि कैसा इसके अंदर हम इंटीरियर देखने को मिलता है, अंदर बैठ के भैया से इस गाड़ी के बारे में बात। तो अब अंदर आते हुए एक चीज मैंने देखी यार, पुश स्टार्ट बटन नहीं है, ना ही आपको कीलेस एंट्री देखने को मिलती है, इसमें आपको की स्टार्ट आपको देखने को मिलती है। एंड थोड़ा सा अगर वाइब्रेशन के बारे में आपको बताऊं, जब आप बाहर होते हैं गाड़ी के तब तो थोड़ी सी वाइब्रेशन हमें फील होती है, पर अंदर बिल्कुल ही वाइब्रेशन हमें फील नहीं होती। अब इसके बारे में क्या पिक है भैया आपका? देखो वाइब्रेशन, अब इतना बड़ा इंजन है, पता चलना चाहिए रोर की रोड पे कुछ आ रहा है। हाँ, बट ये है कि अंदर फील नहीं होती, जो सबसे मेन पार्ट है, अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन हमें एक पैसे की भी बिल्कुल भी फील होने को नहीं मिलती है। एंड उसके साथ थोड़ा इंटीरियर में आपको बता दो कि इंटीरियर में इसमें जो आपको और यूनिक फीचर्स मिलते हैं उनके ऊपर। सबसे पहली बात तो फीचर्स का तो खैर मैं इतना दीवाना नहीं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ कि जब भी आप ड्राइवर सीट पे बैठे तो आपको फील आनी चाहिए ड्राइव करने की। इसकी जो क्वालिटी है ना, फिट एंड फिनिश, वो नेक्स्ट लेवल है सच्ची में। मैं ये नहीं कह रहा फॉर्चुनर से, फिर आप लोग बोलोगे कि कंपेयर करो, बट फॉर्चुनर से जब मर्जी कंपेयर कर लेना, फिट एंड फिनिश इसकी कोई कंपेरिजन ही नहीं है।
डेफिनेटली इंटीरियर में मैं बैठा हूँ ना, मेरे को एक अलग सी फील आ रही है प्रीमियम कार की, एक फॉर्च्यूनर में वो फील नहीं आती, रॉ वाली फील आती है, प्रीमियमनेस उसके अंदर नहीं है, तो इस चीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसके अंदर। बट एंडेवर में ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे, अगर पीछे की क्वालिटी भी देखो ना तो बहुत अच्छी है। मैं हालांकि इसकी रेयर सीट अनकंफर्टेबल है, सच्ची बताऊं तो पैसेंजर और ड्राइवर सीट बहुत कंफर्टेबल है, और जो इसकी लास्ट रो है वो तो समझ लो यूज भी नहीं है, बच्चों के लिए भी मैं कहूंगा कि बेकार है वो बहुत। पर उसमें एक चीज अच्छी लगती है कि ऑटोमेटिक फोल्डिंग देखने को मिलती है, बटन से बहुत ज्यादा प्रीमियम गाड़ियों में भी ऑटोमेटिक फोल्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती, पर उसमें वो चीज मिलती है बहुत ज्यादा। ये थोड़ी ज्यादा अच्छी चीज है कि ऐसे निकाल के ऊपर बांध रहा है, बस बटन दबाया, बटन दबाने प्रीमियमली हो जाएगी। एंड इसमें एक और चीज अंदर से हाईलाइट करना चाहूंगा, जो इसकी ओरवीएम्स की फिनिशिंग है, इसमें स्पेशली एक सेक्शन बना हुआ जिससे आपको ब्लाइंड स्पॉट हाईलाइट हो जाता है। तो अब इसमें ना एक फीचर आता है पार्क असिस्ट का, जिसमें गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्क करती है, पैरेलल पार्क, पैरेलल पार्क असिस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली गाड़ी पार्क करती है। एग्जैक्टली, तो वो आपको, आपने यूज करा कभी, आप प्रैक्टिकल लगा आपको? प्रैक्टिकल नहीं है सच्ची बताऊं तो, कोई ऐसे करता नहीं है, बट मैंने यूज करके ऐसे बस फन के लिए यूज किया, थोड़ा कूल लगता है जब आप सब छोड़ा हो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग घूम रहा है। बट हाँ देखो, अडैस हो गया, ये हो गया, ये कभी मेरे हिसाब से यूज के नहीं होते, बस फीचर्स हैं, जितने डालते रहो उतना अच्छा लगता रहेगा। डेफिनेटली वो तो अब ये हर ओनर एक्सेप्ट करता है कि वो फीचर है, बस एक तरह गिमिक फीचर है। हाँ सही कह रहे हो, बस वो अब है तो है, बस कोई पूछता है हाँ भैया है तो है, बस हवाबाजी और कुछ भी। मैंने आपको गाड़ी को गया, किलोमीटर आपने कितने ड्राइव कर लिए? मैंने 33 पे ली थी, 39 चल चुकी है, तो मतलब 6000 किलोमीटर पे अप्रोक्सीमेटली ड्राइव कर ली है, तो अच्छी रनिंग कर रहे हो आप गाड़ी के साथ। तो जैसे कि आप पे और भी गाड़ियां हैं, तो अब गाड़ी आपने इतने फील कर लिया, 6000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, तो क्या लग रहा है? पेट्रोल डीजल बहुत पीती है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, 7-8 से ऊपर एवरेज ऊपर ही नहीं, हाईवे पे मैक्सिमम 10-11 की। अब हमें आदत थी इको स्पोर्ट चलाने की, और वर्टस भी चलाता था, इको स्पोर्ट में डीजल फुल कराता था, मैं भूल जाता था। डेफिनेटली यार वो गाड़ी है ही ऐसी, सिटी में भी कमाल 15 से 20 की माइलेज है। अगर मैं वर्टस भी चलाता हूं ना पेट्रोल, उसकी भी एवरेज बहुत नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। और ये गाड़ी लेने के बाद मुझे पता चला कि ये गाड़ी 5 सिलेंडर की है। तो हेडलाइट में आप क्या बता रहे थे? हेडलाइट्स में ऐसे 3 प्रोजेक्टर आते हैं। हाँ समझ गया, मैं स्क्रीन पे उनकी फोटो एक लगा दूंगा, जो 3 प्रोजेक्टर वाली सेटअप है, सेंड करूंगा, मेरे पास पड़ी है, मेरे पास भी है वो 3 प्रोजेक्टर वाली। मैंने सोचा एक ना, मेरे को मतलब एक वो मिल रहा था 1,25,000 का, वो पूरा सेटअप था, उसके अंदर बम्पर चेंज था, हेडलाइट्स चेंज थी, एंड रेयर का भी जो टेल लाइट्स थी वो चेंज थी, एंड रेयर बम्पर भी पूरा चेंज था। तो रैप्टर किट थी? नहीं नहीं, रैप्टर किट नहीं थी, वो नॉर्मल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, हेडलाइट 3 प्रोजेक्टर वाला, और उसका नीचे भी जो यहाँ पर था ना, यहाँ पर भी एलईडी थी। ये मैंने सोचा था आज कराऊं, बट देन जब मैंने वो पूरा किट देखा 1,25,000 का, मैं बस थोड़ा सा सर्च कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा कम प्राइस में हो जाए कहीं पर, तो उसके बाद मैं वो इंस्टॉल करवाऊंगा, वो मुझे बहुत पसंद आई। तो भैया जैसे अब आज अगर आपने एंडेवर ले ली, तो आज कोई मार्केट में अगर सेकंड हैंड गाड़ी लेने निकलता है, फॉर्च्यूनर एंडेवर सिर्फ 2 चॉइस है उसकी। एग्जैक्टली, तो आप एंडेवर को कहां, इसको बताओगे कि कहां एंडेवर बेटर है? अब देखो, अगर मैं बोलूंगा तो लोगों को लगेगा कि एंडेवर ही अच्छी है, ठीक है, बट सच्ची में बता रहा हूँ, मैं ऐसे ओनर से भी मिला हूँ जिनके पास दोनों गाड़ी है, एंडेवर फॉर्च्यूनर, वो भी अपने मुंह से बोलते हैं कि भैया अगर आपको मिल रही ना आग बंद करके, अगर आपको गाड़ी साफ मिलती है गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्ड अभी सर्विस सेंटर इनके कहीं नहीं जाने वाले, लंबे टाइम तक आप लो। एंड गाइस, जिस रेट पे मैंने लिया और मैं आगे मैं जिस रेट पे बेचूंगा अभी ना कल को, जब एट द एंड देखो डीजल है, 10 साल बाद दिल्ली के अंदर इशू आते हैं, उसके बाद भी इन गाड़ियों की इतनी ज्यादा डिमांड है कि दिल्ली के बाहर भी बहुत ज्यादा अच्छे प्राइसेस पे बिक जाती है। मैं भैया आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप रिवील कर दो, क्योंकि अब वीडियो कंक्लूड होने वाला है, आप रिवील कर दो कितने की आपने ली। देखो OLX ऑटो पे इस गाड़ी की वैल्यू लगी 23 की, ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने मांगे कि मुझे देखो 23 की मिल रही है तो 24 तक दे दो, हमने उनको 20 बोला कि भैया हमारा इससे ऊपर बजट नहीं है। तो उसके बाद थोड़ा हुई, एक दिन बाद नहीं हुई, अगले दिन उन्होंने बोला बेटा हाँ या ना बताओ, जो करना करो, 22 में लेनी है ले लो, सीधा उन्होंने ये बोला, और कुछ भी उनसे बात नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेबर थे, उन जहाँ पे हमारा स्टोर है उनका स्टोर भी पास में ही है, तो उसके बाद मतलब बात करते करते जब टेबल पे बैठे तो देखो कुछ ना कुछ हो जाता है जब दोनों पार्टी रेडी होती है। एग्जैक्टली, तो जो मेन डील क्लोज हुई है मैं बता रहा हूँ 21.5 में हुई थी, ये प्राइस था 21.5 लाख रुपए में 2017 3.2 एंडेवर 33,000 चली, 33,000 चली। मैं मोस्टली डीलर से भी गया, हाँ एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात है कि मीटर मतलब टेम्पर्ड नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था,
प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक सर्विस करवाना था। देखो आप अपने कोई भी यूज का लोगे उसे अपने हिसाब से तो थोड़ा बहुत बनाओगे, थोड़ा बहुत बनाओगे और सर्विस भी खुद कराओगे, बेशक हो रखी हो चाहे। एग्जैक्टली, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डीलर खराब होते हैं, बट मोस्टली डीलर में आजकल क्या होता है ना कि बाहर अगर स्क्रैच लगे वो उसे ठीक करवाया, कवर कराया, ऊपर से नहीं बनाई दे दी। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसने 21 लाख की अपनी एंडेवर बेची, मैं चाहता उसकी ले सकता था, बट उसके अंदर गाड़ी में इशू था, उसने खुद मना कर दिया था, उसका गियरबॉक्स खराब हो गया था। उसने 21 लाख की बेची गाड़ी और मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए रील आई और गाड़ी उसने डीलर ने कोट किया हुआ था 25 लाख रुपीज उसका प्राइस, ठीक है, और जिस उसकी गाड़ी चली थी 1 लाख समथिंग कुछ और मीटर पे दिखा रहा था उधर 57,000 चली हुई। मतलब यार, तो मैं देखा और मैं शॉक्ड हो गया, मैंने उसको रील भेजी आगे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, मैंने बोला भाई पहचानी किसकी गाड़ी, तो ऐसा वाला सीन हो जाता। मतलब स्कैम करने का भी एक लेवल होता है कि तो 4 लाख रुपए ऊपर भेजनी है। हाँ, गाड़ी में कमी है वो भी नहीं बताएगा वो, और मीटर भी बैक कर दिया। सबसे बड़ी बात, मतलब कोई लोग सेकंड हैंड गाड़ी लेने का सपना तो देख लेते हैं, पर ऐसी हरकतों की वजह से ना बहुत दुख होता है आजकल ऐसा होता है। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, बहुत आजकल ऐसा हो चुका है गाइस, अगर कोई आपको बढ़िया डीलर है आपके नोन का तो आपको कभी खराब नहीं देगा। या फिर मैं तो रिकमेंड करूंगा सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है डायरेक्ट ओनर से जान पहचानो, वही वाली कंसीडर करो, बेस्ट है वो, उससे बेस्ट आपको गाड़ी मिल ही नहीं सकती। तो भैया आप गाड़ी के ना कुछ पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव तो आपने हाईलाइट कर दिए जो भी थे गाड़ी में। यार पॉजिटिव मुझे इस गाड़ी के अंदर ऐसा कोई मतलब नेगेटिव, 2-3 जो मैंने आपको बता दिया कि एक चाबी का इशू रहता है, और सबसे एक और इशू रहता है इसके जो लेदर सीट्स है ना, है तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की, बट ये लेदर ना थोड़ा सॉफ्ट है। अगर हम सर्विस सेंटर जब मैं गया ना तो हर दूसरी सीट वहां पे ऐसे फटी हुई थी। हाँ, जैसे हर दूसरी सीट फटी हुई थी, हाँ बहुत थोड़ी सी सॉफ्ट है ये चीज। और बेज इंटीरियर है, बेज इंटीरियर में क्या इशू होता है ना कि थोड़ा बहुत भी हाथ लगता है ना, थोड़ा गंदा इजीली हो जाती है। अब जैसे मैकेनिक से काम करवाया कुछ करवाया, मेरे हिसाब से ये आउटर इसका ब्लैक होना चाहिए, बेस सिर्फ इतना सा पार्ट होना चाहिए तो। हाँ, बट इंटीरियर के साथ मैच बहुत करता है, प्रीमियम मतलब बहुत प्रीमियम फील देता है बेज कलर का, ये एक प्लस पॉइंट होता है बस, एक यही एक, इसके अंदर कोई वो नहीं लगता मुझे, बाकी सब पॉजिटिव है इसके अंदर। मुझे आई डोंट थिंक सो कि मेरे हिसाब से कुछ है। मतलब यार गाड़ी से जब आप इतने सेटिस्फाइड होते हो ना, आप चाह के भी गाड़ी के पॉजिटिव नहीं निकाल सकते। एग्जैक्टली वही भैया की सिचुएशन यहाँ पे मुझे इस वक्त लग रही है। होगा तो मैं एक नेगेटिव और बता सकता हूँ, सबसे मेजर इसकी हेडलाइट्स जो मतलब यहाँ से आती है ना कंपनी से, इस पथेटिक, सच्ची में बता रहा हूँ, हाई बीम के अलावा आप इसको चला ही नहीं सकते अगर हल्की सी भी डार्क रोड आ गई, बहुत तो बेकार है। जो 2019 में स्विच हुई थी ना, वो बड़ा प्रोजेक्टर था थोड़ा सा, उसकी लाइट ज्यादा अच्छी थी, उसका थ्रो बहुत अच्छा है, इसका थ्रो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बस एक सबसे बड़ा मेन रीजन है कि मैं हेडलाइट्स वगैरह भी जो चेंज करवाऊंगा, देखो वैसे भी मैं करवाता अगर अच्छी भी होती, क्योंकि लुक एक अलग आ जाती है, बट एक्चुअल में ये लाइट, तो आप इसमें वैसे बल्ब चेंज करा सकते हैं हेडलाइट का, एलईडी में अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं? ये ऑलरेडी प्रोजेक्टर वही है, वाइट एलईडी है, तो इसमें आप अपग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते आप इसके अंदर, ये पूरा चेंज ही होगा। आप इसके अंदर जितना मर्जी अच्छा लगा लो, बट वो ये आफ्टर मार्केट वाली थोड़ी गिमिक ही हो जाता चीजें, मैं वो चाहता नहीं। मैं अगर करवाऊंगा तो फिर अच्छे से करवाऊंगा इसका सब कुछ। चलो ठीक है, यही था एक छोटा सा रिव्यू निखिल अरोड़ा भैया का, जरूर इनका चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पे जरूर जाना है, सब्सक्राइब करना है, एंड फटाफट एंडेवर की वीडियोस पे जाके सारी वीडियोस जाके लाइक करनी। तो होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, तो बटन लाइक कर दो। इसके साथ वीडियो को यही एंड करते हैं, एज विद एंड, सबका साथ सबका स्टार्ट है, बाय बाय, सी यू।